गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आप दो वर्णों वाले शब्द, तीन वर्णों वाले शब्द और चार वर्णों वाले शब्द पढ़ चुके हो। उसके साथ साथ आप लोगों ने आ की मात्रा से बनने वाले शब्द भी पढ़ा है। आ की मात्रा लगाकर बनाए गए शब्दों को भी पढ़ा है। उसके अभ्यास को भी आप लोगों ने अपने कॉपी में लिख लिया है। पाठ के बाद जो पीछे अभ्यास दिया हुआ था, दोनों अ वर्ण और आ वर्ण, आस्वर और अ, दोनों के अभ्यास को आप लोगों ने अपने कॉपी में लिख लिया है। उसके बाद आज आप लोग इसको लिखोगे, जोड़कर लिखें, जोड़कर लिखें। सबसे पहले पढ़ पढ़, कलम कलम, अफसर अफसर, म प्याकर मा, ल प्याकर ला माला, क प्याकर का न कान, ज ह प्याकर हा ज जहाज, त त प्याकर ता, ल प्याकर ला ब तालाब, ग म ल प्याकर ला गमला, प प प्याकर पा, ठ श श प्याकर शा, ल ल प्याकर ला पाठशाला। इस तरह से बच्चों आप उच्चारण कर करके अपने कॉपी में इसको लिखोगे। स्वर अ और आ की वर्तनी। अब हम स्वर अ और आ की वर्तनी लिखेंगे। अ की कोई मात्रा नहीं होती है और स्वर आ की मात्रा होती है एक पाई की तरह। इस तरह से आ की मात्रा लगाए हुए शब्दों की भी वर्तनी को हम लिखेंगे। स्वर अ और आ की मात्रा वाली वर्तनी लिखेंगे। एक एक करके मैं सभी शब्दों को पढ़ते जाऊंगी, आप लोग इसको दोहराओगे। घर घर, चट चट, छड़ छड़, श्रम श्रम, डर डर, थन थन, दस दस, फल फल, यज्ञ यज्ञ, झपट झपट, गरम गरम, बहक बहक, ढम 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 ढम, तरकश तरकश, नट खट नट खट, धड़कन धड़कन, भ प्याकर भात भात, ज व प्याकर वान जवान, र र प्याकर रा, ज ज प्याकर जा राजा, प प्याकर पाठ पाठ। बच्चों इस तरह से आप सभी शब्दों को शुद्ध उच्चारण के साथ बोलोगे और बोल बोल करके इसको लिखते जाओगे। मैंने इसको एक बार लिख दिया है, आप लोग इसको दो दो बार लिखोगे अपने कॉपी में। जैसे घर लिखा हुआ है, एक बार और आपको घर लिखना है। इसी तरह से सभी शब्दों को मैंने एक एक बार लिखा है, आप इन सभी शब्दों को दो दो बार अपनी कॉपी में लिखोगे। और जितने बार भी आप लिख रहे हो, बोल बोल करके इसको अपने कॉपी में आपको लिखना है, बोल बोल करके लिखोगे।